हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वन कंसेप्ट अ डे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आई होप सबको। और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये समझ लें कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ का मोटिव ये है कि आपको एक कंसेप्ट से रूबरू कराया जाए, ठीक है। और आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसेप्ट लेकर आए हैं, दैट इज़ योर इंडिया पाकिस्तान वॉर्स, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच पे वेरियस वॉर्स लड़े गए हैं। पहला वॉर लड़ा गया था 1948 में, उसके बाद 65 में, उसके बाद 71 में, और फिर आया आपका कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999 में, ठीक है। अब कारगिल कन्फ्लिक्ट को हम वॉर नहीं कहते हैं जनरली, बिकॉज ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। इनफैक्ट इंडिया ने LOC को इसीलिए नहीं क्रॉस किया था कारगिल वॉर के टाइम पर, ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये फुल फ्लेश्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। ऑलराइट, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स को हम समझेंगे, और इसको समझने का रीज़न हमारे पास, हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि हर साल 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस साल भी कारगिल विजय दिवस आपका कल सेलिब्रेट किया गया 26 जुलाई को, और इसी वजह से हमारे लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो समझने ज़रूरी हो जाते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऑलमोस्ट आप सब जानते हो, तो वो हम ब्रीफली देखेंगे और कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये फैक्ट्स आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, चाहे वो आपका IAS हो या आपके कोई स्टेट सर्विसेज हो, जैसे PCS, UPPSC एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, और आपके SSC टाइप एग्जाम्स में भी आपको ये फैक्ट्स जो हैं हेल्प करेंगे। अब पार्ट वन हमारा बेसिकली क्या कवर करेगा, पार्ट वन में हम देखेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में, जिसकी वजह से हम ये पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं। और कारगिल विजय दिवस से ही एक एसोसिएटेड ऑपरेशन आ जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। सवाल बन सकता है कि सफ़ेद सागर क्या था या कौन से वॉर से एसोसिएटेड था, सीधा सीधा MCQ बन जाएगा। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर 1948 को समझेंगे। अगला जो आपका वीडियो होगा, जो पार्ट टू होगा इसका, उसमें हम बेसिकली 1965 वॉर के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन गिब्राल्टर के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था वो देखेंगे, ताशकंद एग्रीमेंट क्या था। ये अक्सर अभी भी जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, कोई हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आता है, तो अक्सर उसमें आप इसको, आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में क्या प्रोविजंस थे, सारे प्रोविजंस नहीं लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान वॉर देखेंगे 75 लिखा हुआ है, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर को समझेंगे, और शिमला एग्रीमेंट, अगेन ये टर्म आपको न्यूज़ में अक्सर देखने को मिलती है, तो इस एग्रीमेंट के क्या प्रोविजंस थे। ये जो एग्रीमेंट के प्रोविजंस है कहीं ना कहीं आपको मेंस की आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पार्ट वन। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुलाई 26 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2020 में भी सेलिब्रेट किया गया, न्यूज़पेपर्स और सारी न्यूज़ में आपको ये कवर कहीं ना कहीं हुआ था, ठीक है। अब फटाफट से कारगिल दिवस सेलिब्रेट कब होता है, जुलाई 26 ऑलरेडी बता चुका हूँ। कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली पता होना चाहिए, 1999 में बैकग्राउंड है ये, 1999 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक लाहौर एग्रीमेंट साइन किया। इस लाहौर एग्रीमेंट में इन्होंने ये बोला कि भैया कश्मीर इशू को हम म्यूचुअली रिजॉल्व करेंगे पीसफुल मैनर में, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में टेबल के ऊपर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और म्यूचुअली विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस हम लोग इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, कश्मीर इशू को रिजॉल्व करेंगे और पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया ने कहा ठीक है भैया, पीसफुली कर लेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद उसी साल हुआ क्या, पाकिस्तानी ट्रूप्स जो थे उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी, घुसपैठ, जिसको आप मीडिया में अक्सर टर्म यूज होती है घुसपैठ, तो उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी इंडियन साइड पर लाइन ऑफ कंट्रोल के। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल का बैकग्राउंड है 1948 के वॉर में, इंडिया पाकिस्तान का 1948 का जो वॉर हुआ था उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल का बैकग्राउंड है। तो अभी जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल देख लेंगे, जब हम 1948 की लड़ाई देखेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी इंडियन साइड पर, और इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने, पाकिस्तानी आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र
मेन एम इस ऑपरेशन का क्या था कि किसी तरह से सियाचिन को कट कर दिया जाए इंडिया से, ठीक है। और पाकिस्तान के इस ऑपरेशन बद्र के रिएक्शन में इंडिया ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। अब ऑपरेशन विजय की सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूं, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन विजय, स्पेशली एसएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब पिछले साल हर साल की तरह पिछले साल 2019 में भी कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया था, तो उस समय इंडियन आर्मी ने एक बुक भी रिलीज की थी जिस बुक का नाम था फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सागा ऑफ वेलोर फोर्टिट्यूड एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये जो बुक है पर्टिकुलरली ये भी आपके 1999 के कारगिल वॉर में जो इंडियन आर्मी ने अपना शौर्य का जो प्रदर्शन किया उसको इसमें काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, ठीक है। अगेन स्टेट सर्विसेज टाइप एग्जाम में सीधा किताब का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। अब ऑपरेशन विजय की रेलिवेंस समझो, ऑपरेशन विजय हिंदुस्तान में दो बार लॉन्च किया गया, सेम नाम का ऑपरेशन दो बार हुआ है, इंडियन आर्मी ने ही दोनों बार कंडक्ट किया है। आपका फर्स्ट ऑपरेशन विजय जो है वो 1961 में हुआ था जब इंडिपेंडेंट इंडिया ने गोवा, एंजदीवा आइलैंड और दमन एंड दीव को पोर्टुगीज से वापस लिया था, ठीक है। अंग्रेज तो चले गए थे 1947 में, लेकिन गोवा और दमन एंड दीव जैसे आइलैंड अभी भी पोर्टुगीज कंट्रोल के अंडर थे एंड पोर्टुगीज वर नॉट गिविंग देम बैक टू इंडिया। तो अल्टीमेटली इंडिया को एक आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा टू गेट बैक दीज आइलैंड, और उस ऑपरेशन का नाम भी क्या था, ऑपरेशन विजय, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन विजय आपका 1999 वाला कारगिल वॉर वाला, ऑलराइट। अब एक चीज और यहां पर समझने की जरूरत है, विजय दिवस एक है आपका कारगिल विजय दिवस, ठीक है, जो 1999 वाला है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विजय दिवस इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 16th दिसंबर। अब ये जो विजय दिवस है ये कारगिल विजय दिवस से डिफरेंट है। कारगिल विजय दिवस तो हमने कब देख लिया कि 26 जुलाई को होता है हर साल, जो आपका विजय दिवस है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th दिसंबर एवरी ईयर। और इसकी रेलिवेंस क्या है, 16th दिसंबर को इंडिया वॉन ओवर पाकिस्तान इन इट्स 1971 वॉर, ठीक है। 1971 वॉर जो था आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था और पाकिस्तानी फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया था दिसंबर 1971 में ढाका में, और सरेंडर के साथ 14 दिन की ये जो लड़ाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये खत्म हो गई थी एंड अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था बांग्लादेश, ठीक है। डिटेल में इसको कवर करेंगे जब हम 1971 का वॉर देखेंगे, ऑलराइट। अभी आप इतना समझ लो कि विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। विजय दिवस जो आपका 16 दिसंबर को होता है, अगर कारगिल विजय दिवस की बात की जाएगी तो उसमें स्पेशली कारगिल वर्ड मेंशन होगा, ऑलराइट। चलिए अब कारगिल विजय दिवस से ही एसोसिएटेड है एक और ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। सवाल बन सकता है ना ऑपरेशन सफेद सागर कहां पर है, ऐसे में आपको दो सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि जो हम अब पढ़ रहे हैं वो सैंपल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब ऑपरेशन सफेद सागर जो था ये एक कोड नेम था, जिस जो एक ऑपरेशन का कोड नेम था जो इंडियन एयरफोर्स ने रखा था, ठीक है। बेसिकली दिस ऑपरेशन स्पेसिफाइड इंडियन एयरफोर्स रोल इन एक्टिंग ज्वाइंटली विद ग्राउंड ट्रूप्स ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था, फ्लशिंग आउट रेगुलर एंड इररेगुलर ट्रूप्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी फ्रॉम वेकेटेड इंडियन पोजिशंस इन कारगिल सेक्टर, ठीक है। जो भी पोस्ट्स थी जिन जो इंडियंस ने वेकेट कर दी थी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ सीजन में, उन पोस्ट के ऊपर कंटिन्यूसली ये चेक करना कि क्या किसी पाकिस्तानी ट्रूप ने वहां पर कब्जा कर लिया है, और अगर कर लिया है तो उसको खाली करना, ठीक है। और ये 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स का पहला लार्ज स्केल एयर पावर ऑपरेशन था जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हुआ, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका कारगिल वॉर डिस्कशन, इसको हमने पहले इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि ये न्यूज में था। अब ये तो हमने देख ही लिया, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी लड़ाइयां लड़ी गई पाकिस्तान के साथ, उनमें से एक लड़ाई आ जाती है आपकी वॉर ऑफ 1948। अब हम इसको देखते हैं और 65 और 71 वाला वॉर जो है हम पार्ट टू में कवर करेंगे। अब आप सब जानते हैं कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको ब्रिटिशर्स ने ये राइट दिया कि या तो वो इंडिया को चूज करें या पाकिस्तान को चूज करें,
ठीक है, इधर दे कैन ज्वाइन इंडिया और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान। पहले ये भी क्लॉज था कि दे कैन ऑल्सो एडॉप्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया था, लेकिन बाद में इसको एलिमिनेट कर दिया गया, इस ऑप्शन को हटा दिया गया। अल्टीमेटली उनके पास दो ही ऑप्शन थे, इधर दे कैन ज्वाइन इंडिया और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान। अब हुआ क्या, ब्रिटिश ने कह दिया हम जा रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर प्रेशर आ गया, इंडिया भी चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया को ज्वाइन करे और पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को ज्वाइन करे। लेकिन उस समय के जो कश्मीर के महाराज थे हरी सिंह, वो ये चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली इशू को डिले किए जा रहे थे, ना वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे थे ना वो इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे। अल्टीमेटली जब ब्रिटिशर्स ने विड्रॉ किया तब पाकिस्तान ने एक अटैक स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान फोर्सेस ने, हालांकि पाकिस्तान फोर्सेस का यह कहना था कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं अटैक किया है, बल्कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी उसके ट्राइबल्स जो थे, उसके जो ट्राइब्स थे, उन्होंने अटैक किया, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइब्स थे दे वर सपोर्टेड बाय द रेगुलर पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट था इनको। अल्टीमेटली द एम वॉज कि इन्वेड करके जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, लेकिन इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया इस इन्वेजन का, क्योंकि अभी तक महाराजा रंजीत सिंह ने, हरी सिंह ने सॉरी, कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। अल्टीमेटली जब पाकिस्तान के ये फोर्सेस जो थे श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे तो महाराजा हरी सिंह वॉज फोर्स्ड कि वो इंडिया की मदद लें, ठीक है, और इंडिया ने उन्हें कहा कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए। अल्टीमेटली ही वॉज फोर्स्ड टू एक्सीड कश्मीर टू इंडिया एंड ही हैड टू साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑलराइट। एंड जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया, इंडिया ने अपनी आर्मी को कश्मीर में भेज दिया टू लिबरेट कश्मीर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ट्राइब्स, ऑलराइट। साथ ही साथ नेहरू जी ने ये जो डिस्प्यूट था, जो ये वॉर चल रहा था, इसको यूनाइटेड नेशंस ले गए अंडर आर्टिकल 35, ठीक है। आर्टिकल 35 है एक यूएन चार्टर का, वो क्या कहता है कि भैया मेंबर स्टेट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन ले सीख करने के लिए यूएन में जा सकता है, अगर उस मेंबर स्टेट को ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है जो इंटरनेशनल पीस की मेंटेनेंस के लिए हिंड्रेंस बन सकता है। तो इंडिया चला गया यूएन के पास और आर्टिकल 35 का दरवाजा खटखटाया कि देखो देखो ये पाकिस्तान लड़ रहा है हमसे और इससे इंटरनेशनल पीस को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब ये सवाल पैदा हो सकता है यहां पे आर्टिकल 35 वाला, हो सकता है ना कि यूएन चार्टर कौन सा है जिसके तहत कोई भी जो मेंबर स्टेट है वो जा सकती है कि देखो देयर इज हिंड्रेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, ऑलराइट। और इन सिचुएशंस को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन था उसको सेट किया गया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कहा जाता है रेजोल्यूशन 47। इस रेजोल्यूशन 47 में क्या कहा गया कि इमीडिएटली सीज फायर किया जाएगा और पाकिस्तान सरकार को यह बोला गया कि वो अपने ट्रूप्स को जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइब्समैन थे या जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स थे जिन्होंने अटैक किया, वो अपने ट्रूप्स को वापिस ले ले जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट से, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट को यह बोला गया कि वो अपनी फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कश्मीर में से रिड्यूस करें, ठीक है, और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, जब पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को पूरी तरह से वापस बुला ले और इंडियन फोर्सेस अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर ले, तब कश्मीर में एक प्लेबिसाइट कराया जाए, कश्मीर की जनता के ऊपर यह छोड़ा जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो अब कंटिन्यूअसली पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि इंडिया ने प्लेबिसाइट नहीं कराया। तो इंडिया क्या बोलता है कि देखो भैया ऐसा है कि जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था, इसने ये बोला कि तुम्हें इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना है, ठीक है, इमीडिएटली अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना है, लेकिन तुमने अपने ट्रूप्स को अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। अब अगर आप कश्मीर का मैप देखते हो, ठीक है, तो ये पीओके वाला एरिया जो है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ऑलराइट। तो पाकिस्तान को तो पूरे ट्रूप्स विड्रॉ करने थे पर इस एरिया से अभी भी पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं किए, तो इंडिया कहता है कि पहले अपने ट्रूप्स तो विड्रॉ कर लो,
उसके बाद देखेंगे ना प्लेबिसाइट को। ऑलराइट, अब इसी रेजोल्यूशन से, जो ये आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था, इसी रेजोल्यूशन से फ्रंट्स को सॉलिडिफाई कर दिया गया और एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। ये एक फॉर्मल सीज फायर लाइन थी जिसको जनवरी 1949 में डिक्लेयर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, पाकिस्तान फोर्सेस फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर रुक गई, अब यहां पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई और यह बोला गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस इससे आगे नहीं बढ़ेंगी और इंडिया की फोर्सेस इससे आगे नहीं बढ़ेंगी इस एक लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन साथ ही साथ इस रेजोल्यूशन ने यह भी बोला था कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस को विड्रॉ करना है यहां से, जो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया। फिर भी अगर हम देखें इस लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से भी इंडिया के पास 2/3 ऑफ स्टेट आ गया, ठीक है, 2/3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पास आ गया, जिसमें आपका कश्मीर वैली जम्मू लद्दाख वाला रीजन आ गया, और पाकिस्तान के पास अभी ये वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, ठीक है, ये सारा गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन, और जिसको इंडिया में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। अब ये सीज फायर होने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी बनाया फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका काम यह था कि सीज फायर को मॉनिटर करे कि कोई भी इंडिया और पाकिस्तान में से, दोनों में से कोई भी इस सीज फायर लाइन को वायलेट ना करे जब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन दोनों प्रॉब्लम्स का नहीं निकाला जाता, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले स्टेट सर्विसेज या एसएससी टाइप एग्जाम में ऑपरेशन बिदर पाकिस्तान ने कौन से वॉर के टाइम लॉन्च किया, 1948, 65, 71, 99, ठीक है। 99 में कभी भी लिखा नहीं जाता कि इंडो पाकिस्तान वॉर, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट था, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन बिद्र कब हुआ था, कारगिल कंफ्लिक्ट 1940, 1999, तो ये आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है ना सवाल। चलो दूसरा, द प्रेजेंट डे लाइन ऑफ कंट्रोल, अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन, इज द रिजल्ट ऑफ विच इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ। ये लाइन ऑफ कंट्रोल आपके कौन से वॉर के बाद बना था, 48 की लड़ाई के बाद, 65 की, 71 की, या 1999 की? तो इसका आंसर क्या कह दोगे, 1948। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस भी बनाकर पूछ सकता है, ठीक है, और ये आपको मेंस के आपके आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे। अभी जब हम ताशकंद एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, जब एडिटोरियल्स में आपको बहुतों को समझ नहीं आता होगा कि ये ताशकंद एग्रीमेंट क्या है या शिमला एग्रीमेंट क्या है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा पार्ट टू में, ठीक है। तो पार्ट वन के लिए इतना ही। जो लोग पहली बार चैनल वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार चैनल पे आए, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।